लोग आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, आई एम श्योर यू आल्सो नो दैट। वो एक डिफरेंट फीलिंग है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो एक मैं उसमें हर बार ही अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यार इतना स्टेडियम आपका नाम ले रहा है और आपको चेयर अप कर रहा है, आपकी एक शॉट पे, एक सिंगल पे आपको चेयर अप कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों का प्यार है हमेशा। दोस्तों, दुनिया के दो वैध क्रिकेटर जिनके बारे में हमेशा से बहस चलती आ रही है कि आखिर इन दोनों में बेस्ट कौन है, कभी विराट कोहली तो कभी बाबर आजम। बाबर आजम की कवर ड्राइव और विराट कोहली के अनबिलीवेबल सिक्सेस। तो बिना टाइम किए वेस्ट वीडियो करते हैं शुरू कि असली हीरो कौन है। नंबर 8, दोस्तों आप सबको पता ही होगा विराट कोहली ने अपना क्रिकेट करियर 2008 में शुरू किया था और 2008 से ही उनका बल्ला आग उगलते आ रहा है, चाहे टेस्ट हो, ODI हो या फिर T20, ये बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेता। मैच चाहे पाकिस्तान से हो या ऑस्ट्रेलिया से, उनका जवाब सबको सेम होता है और इनका रन चेज मशीन भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दूसरी तरफ आते हैं बाबर आजम की तरफ। उन्होंने अपना क्रिकेट करियर 2015 में शुरू किया था और उनकी बैटिंग स्टाइल सबको अपना दीवाना बना लेता है, जो शायकीन हैं वो खुशी से झूम उठते हैं। और ऐसी झलक उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच विन करके साबित कर दी थी। नंबर 7, तो अब क्यों ना बात करें तेज तरीन रन की, जैसे विराट कोहली ने ODI क्रिकेट में तेज तरीन रन 2000 किए थे और उन्होंने अपना एक लेवल बना लिया था। विराट कोहली ने 2000 रन बस 36 मैच खेलकर ही बनाए थे और वो भी कप्तानी का चार्ज संभालते हुए। और दोस्तों ये रिकॉर्ड भी आपको पता ही होगा बाबर आजम ने 2023 में तोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबर आजम ने सिर्फ 31 मैचों में ही 2000 रन कंप्लीट किए थे कप्तानी का चार्ज संभालते हुए। बस इतना ही नहीं, T20 में विराट कोहली का 1000 स्कोर का रिकॉर्ड है जो कि विराट कोहली के पास था, जिसे 2018 में ही बाबर आजम ने ख़त्म कर दिया था। और ये रिकॉर्ड बाबर आजम ने सिर्फ 27 मैचों में ही 1000 रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब इन दोनों में फैसला करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। नंबर 6, चेज मास्टर। अब अगर विराट कोहली को रन चेज मशीन कहा जाता है तो बाबर आजम किस क्वालिटी के बल्लेबाज हैं? जैसे आपको पता ही होगा कि रन चेज में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज कोई नहीं। रन चेज में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। जैसे T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान ने 158 रन किए थे और इंडिया के 31 रन पर 4 आउट थे और 100% पाकिस्तान के जीतने के चांस थे। और उसी वक्त विराट कोहली ने ऐसा बल्ला चलाया कि 82 रन बनाते हुए पाकिस्तान को मैच हरा दिया था और यह रन चेज हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ बाबर आजम 2021 के वर्ल्ड कप में देखें, जिसमें बाबर आजम और रिजवान ने मिलकर इंडिया का पाकिस्तान को वन साइडेड मैच जितवा दिया था, जिसमें इंडिया ने 152 रन किया था और पूरी इंडिया बॉलिंग इनके सामने नाकाम हुई थी। नंबर 5, मोस्ट सेंचुरीज। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा सेंचुरीज की। तो इन तमाम फॉर्मेट्स में विराट कोहली ने टोटल 580 मैचों में 80 सेंचुरीज बनाई हैं और दूसरी तरफ बाबर आजम ने तमाम फॉर्मेट्स में टोटल मैच ही 273 खेले हुए हैं और 31 सेंचुरीज बनाई हुई हैं। और विराट कोहली का ये रिकॉर्ड भी वो जल्द ख़त्म कर देंगे। सचिन के बाद दुनिया में वैध विराट कोहली हैं जिन्होंने ODI में 50 सेंचुरीज बनाई हुई हैं। और हाँ, अपनी तेज तरीन 19 सेंचुरीज बनाने वाले पूरी दुनिया के वैध खिलाड़ी बाबर आजम हैं। बाबर आजम ने सिर्फ 102 ODI मैच खेलते हुए 19 सेंचुरीज बनाई हैं और विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड 24 मैचों में बनाया था। नंबर 4, ICC अवार्ड्स। अब बात करते हैं मोस्ट अवार्ड्स और ट्रॉफी की। तो इसमें विराट कोहली तो नजर आएंगे लेकिन बाबर आजम ज्यादा बेहतर हैं। विराट कोहली को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2012 और 2018 तक एजाज हासिल है, जिसमें इतना ही नहीं 2017 और 2018 तक लगातार ICC क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। अब बात करते हैं बाबर आजम की। तो बाबर आजम 2021-22 लगातार ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर बने रहे हैं, ICC के बहुत बार कप्तान भी रह चुके हैं। नंबर 3, IPL वर्सेस PSL। अब बात करते हैं PSL और IPL की, जिसमें विराट कोहली कमाल ही करते हैं क्योंकि IPL की हिस्ट्री में विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन किए हैं। विराट ने 229 इनिंग्स खेलते हुए 7263 रन किए हुए हैं और 130 के स्ट्राइक रेट के जरिए साबित हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा विराट कोहली IPL में भी बादशाह साबित हुए।
अब दूसरी तरफ बाबर आजम भी PSL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वैध खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बस 70 इनिंग खेलते हुए 2935 रन किए हुए हैं और 124 के स्ट्राइक रेट के जरिए। इससे ये साबित हुआ बाबर आजम विराट कोहली का किसी भी फॉर्मेट में पीछा नहीं छोड़ते। नंबर 2 कवर ड्राइव। दोस्तों एक वक्त था कि विराट कोहली से अच्छी कवर ड्राइव कोई नहीं मारता था और बहुत से लेजेंड्स ने इनकी तारीफ की है, जैसे सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, AB डिविलियर विराट कोहली की तारीफ करते हैं। अब बात करते हैं बाबर आजम की, तो कहानी यहीं ख़त्म नज़र नहीं आएगी क्योंकि इनकी क्लास ही कुछ ऐसी है। बाबर आजम की कवर ड्राइव की तारीफ तो खुद विराट कोहली ने करके साबित कर दिया कि वो बेस्ट कवर ड्राइव मारते हैं। नंबर 1 वो इज़ द किंग। अगर दोनों अच्छे हैं तो इन दोनों में से किंग कौन है, ये फैसला आप लोग कमेंट्स में करेंगे और मुझे बताएंगे कि इन दोनों में रियल किंग कौन है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो मोस्ट वेलकम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा साथ दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।